आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कई प्रतिभाएं निकली हैं और उन्होंने उच्च स्तर तक अपना नाम कमाया है। वहीं इसी क्रम में भविष्य को गढ़ने वाले कई नन्हे मुन्ने ने भी इस क्रम को जारी रखा है। जी हाँ, इंदौर से तीन होनहार बच्चे रोल बॉल खेलने के लिए श्रीलंका फेडरेशन वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। शहर के कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले तीन बच्चों के लिए सभी उन्होंने शुभकामनाएं दे रहे हैं। वैसे तो इंदौर शहर की स्वच्छता का चर्चा पूरे विश्व में है, लेकिन इस बार इंदौर के कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल से स्केटिंग रोल बॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका के कोलंबो जा रहे हार्दिक आर्य, दीपेश चौधरी और 13 वर्षीय तेज तर्रार खिलाड़ी तनवीर पटेल स्वच्छता का संदेश श्रीलंका में भी सबको बताएंगे। नन्हे खिलाड़ी तनवीर का कहना है कि वह इस गेम में बहुत कुछ मुकाम तक जाना चाहते हैं और अपने देश के साथ शहर और समाज परिवार का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। वहीं तनवीर के परिजन नौशाद पटेल का कहना है कि बच्चे के माता पिता और सभी ने इसे आगे बढ़ाने के लिए खूब मेहनत की है और आज वह श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, उनके लिए और समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती नीला नलिनी पाल ने बताया कि उनके स्कूल से पहले भी कई बच्चे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और जीत कर कई गोल्ड मेडल लाए हैं। इसी कड़ी में तीन बच्चों को भी 6 दिन के लिए उनके कोच के साथ श्रीलंका भेजा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि बच्चे जिस तरह पढ़ाई में तेज तर्रार हैं, उसी तरह इस रोल बॉल में भी मेडल जीत कर लौटेंगे। वहीं कुछ हेमंत जोशी की माने तो केरल, गुजरात, असम, वर्तमान प्रदेश ओवर शहरों में विभिन्न मेडल जीत चुके कई बच्चों के बाद इस बार फिर श्रीलंका में निश्चित ही यह तीनों जीत का परचम लहराकर लौटेंगे। और रोल बॉल हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो कोच है हेमंत जोशी, बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेन करते हैं। पहले भी हमारे दो गर्ल्स इंटरनेशनल खेल के आई हुई है और बहुत अच्छा खेलते हैं ये बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे भी सब टीम्स में गोल्ड मेडल्स लेके आए हुए हैं, तो हम उनको सब अपनी गुड विशेस देते हैं स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, और आई होप वो बहुत अच्छा करे। हमारे यहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं, शूटिंग में भी बच्चे इंटरनेशनल खेले हैं, ताइक्वांडो में खेले हैं इंटरनेशनल, और फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, उसमें भी बच्चे नेशनल तक गए हैं। सीबीएसई के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी जीत के आए हैं। स्विमिंग में बच्चे हमारी इंटरनेशनल खेली है। सब बहुत सारे गेम्स, और गेम्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बच्चों की इंस्पिरेशन का और खेलने का और कुछ जिंदगी में कुछ हासिल करने का। जब वो कुछ हासिल करते हैं तो वो बहुत उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। पढ़ाई में भी वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गेम्स में ये बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। एक उनका अपना करेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, टीम स्पिरिट के लिए अच्छा है। और ये जब खेल के आते हैं बच्चे तो स्कूल की तरफ से इनको पूरी फीस माफ होती है, इनकी जो ट्यूशन फीस है वो माफ होती है। तो फायदा, वो फायदा भी है और अपने लिए अपने परिवार के लिए भी बच्चे स्कूल के लिए नाम कमाते हैं। मैम 13 साल का बालक है ये, और भी कई बच्चे भी आपके यहाँ से जाते हैं, तो किस तरह का प्लान होता है, कितने दिनों का आप ये लिए जाएंगे और वापस आएंगे? और ये लोग अभी 13 तारीख को जाएंगे बच्चे और 18 तारीख को वापस आएंगे। जब जब बोला कि हमें सरवा जाना खेलने, वहाँ अभी बीच में गोवा भी गए थे, आसाम भी गए थे, वहाँ से भी जीत के आया था, और हमारे समाज को लेकर मतलब बहुत वह है उत्साहित कि हमारा समाज का नाम रोशन होगा नायता पटेल समाज खजराना से, कि बच्चा बहुत उत्साहित है खेलने के लिए और हमेशा एक्टिव रहता था, स्कूल वाले भी बहुत कॉपरेट करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा जा रहा है श्रीलंका, हमारे मतलब गांव का गौरव बढ़ाए, नाम कमाए, बस यही चाहते सर। कहाँ तक? कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल से जा रहे हैं, तो सर इनकी ब्रांच वहाँ पर भी है शायद, तो हो सकता है कि मतलब बच्चा काफ़ी आगे तक जाए और हम कॉपरेट करेंगे सर उसको। आप जिस शहर से आते हैं, रहते हैं जिस शहर में, वो स्वच्छता में भी नंबर वन है। जी सर। तो क्या आपने बच्चों को ऐसा कुछ बताया है कि स्वच्छता की परिभाषा एक बार वहाँ कोलंबिया में जाकर वहाँ पर हमें बताया लोगों को? सर हमारे इंदौर का तो टॉप पे नाम आता है MP में, पूरे भारत में सर, कि साफ़ सफाई के मामले में उसके मतलब हर चीज़ में, स्वच्छता अभियान में
हर बीमारियों से दूर रहे, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, गंदगी ना करें कहीं भी जाके हमारे मतलब क्षेत्र में। मतलब ये संदेश बच्चों के द्वारा वहाँ भी पहुँचेगा? वहाँ भी पहुँचेगा सर, श्रीलंका भी पहुँचेगा, और ये बच्चे बताएंगे वहाँ पर कि हमारा इंदौर मतलब स्वच्छता नंबर वन में वन है साफ सफाई के मामले में। दीपेश चौधरी, हार्दिक आर्य ने एमपी टीम से रिप्रेजेंट करा था, और सब जूनियर नेशनल जो टीम गई थी एमपी की उसमें तनु पटेल ने एमपी टीम को रिप्रेजेंट करा था, उसी के बिहार पर इन लोगों का चयन इंडिया टीम में करा गया है। श्रीलंका में होने वाली जो इंडिया सीरीज, इंडिया और श्रीलंका की सीरीज है, वो गेम को प्रमोट करने के लिए सीरीज कराई जा रही है जो श्रीलंका फेडरेशन करा रही है। उसके लिए इंडिया टीम में सिलेक्शन कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चे उसमें भारत टीम में खेलेंगे, उसमें सीनियर जूनियर सब जूनियर पूरे भारतवर्ष के बच्चे जाएंगे खेलने के लिए, जिसमें हमारा इंदौर के 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में, हार्दिक आर्य, दिपेश चौधरी, तनवीर पटेल जो कि ओलंपिया गवर्नमेंट के होनहार खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी हैं, उनका चयन इंडिया टीम में किया गया है। और ये बच्चे आगे जाकर अपने देश का अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे इस शुभकामनाओं के साथ। सर कितनी कितनी एज है बच्चों की, सबसे कम एज वाले बच्चे का? सबसे कम एज होती है अंडर 11, उसको बोलते हैं मैंने मेरी अपने कौन जाना, उसमें अंडर 14 में तनवी पटेल हैं, और अंडर 17 जो जूनियर टीम है, जूनियर टीम में हार्दिक आर्य और दीपेश चौधरी है, इनका सिलेक्शन इंडिया टीम में किया गया। कैसा किस तरह से आपने इनको तैयार किया है सर? सबसे पहले तो बच्चों को मैंने स्केट सिखाया है, बेसिक जो होते हैं वो स्केट्स होता है, वो स्केट पे गेम होती है, रोलबॉल है कि 3 गेमों का मिश्रण है, बास्केटबॉल हैंडबॉल, इस पर सबसे पहले बेसिक आपको स्केट सीखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले स्केट के ऊपर ही गेम बना हुआ है ये, तो सबसे पहले बच्चों को स्केट करना बहुत ज़रूरी है ये गेम खेलने के लिए, और स्केट भी परफेक्ट होना चाहिए बच्चा, तब जाके बच्चा गेम खेल सकता है। सर ये बच्चे कहाँ तक ऊपर मंच तक जा सकते हैं? ये बच्चे अभी तो छोटे लेवल पे खेल रहे हैं, पर गेम को प्रमोट करने था तो सीरीज पहली और फर्स्ट टाइम हो रही है सीरीज, तो आगे जाकर ये बच्चे वर्ल्ड कप में एशियन कप में नाम लें। श्रीलंका पहले कभी गई गए हो इस तरह से बाहर? यस। कहाँ कहाँ? गुजरात, भोपाल, आसाम। क्या खेलते हो और किस तरह से प्रदर्शन करते हैं? रोल बॉल खेलते हैं। रोल बॉल कहाँ रहते हैं आप? इसे खजराना, इंदौर। खजराना, तो कौन सा कंपटीशन है, किसके द्वारा किया जा रहा है और कब जा रहे हैं हम लोग? 13 को जाना है, फ्लाइट है। अच्छा, कोलंबिया में। कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? कोलंबिया कॉन्वेंट। इसके पहले आप कभी इस तरह से कहीं कोलंबिया से और कहीं, जैसे आपने बताया गुजरात भोपाल, वहाँ जीत के आया हूँ वहाँ से कभी? नहीं, सेकेंड आए थे। सेकेंड आए थे, इस बार फर्स्ट आने की कोशिश? यस। अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है, और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। क्या लगता है आपको, छोटा भाई जीत के आएगा? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है, कोई ऐसी बात जो उसको आप कहना चाहते हो कि श्रीलंका से? ऑल द बेस्ट, जीत के आना। ऐसा